Good morning, students. How are you? I hope all are you fit and fine at your home. Yesterday, I explained question 1, 2, 3 and 4. Now, today we start from question number 5. Question number 5 is name an animal each that gives. जो भी things याद रखी आपके लिए उनके बारे में बताना है कि वो चीज आपको कौन सा एनिमल देता है, एनिमल का नाम आपको राइट कर रहा है। तो फर्स्ट है वुल। तो वुल हमें किससे मिलती है? शिप से। तो यहाँ आप शिप की स्पेलिंग जो आपको राइट करोगे SHEE। सेकंड है हनी। तो हनी हमें किससे मिलती है? बीज से, BEES। थर्ड है एग्स। एग्स हमें किससे मिलते हैं? हैन और डक से। तो मैंने यहाँ हैन राइट किया है, तो यहाँ हैन की स्पेलिंग राइट करोगे HEN, हैन। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क हमें किससे मिलता है, कौन सा एनिमल देता है? तो मिल्क हमें काउ, गोट एंड बेफेलो, ये सभी एनिमल देते हैं। तो आप काउ, गोट या बेफेलो किसकी भी स्पेलिंग यहाँ आप राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ काउ की स्पेलिंग राइट की है COW। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई शुड पेट्स बी ब्रश्ड जनरली। कि हमें पेट्स के जब हम ब्रश करते हैं उसकी सफाई के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए, तो वो हमें जेंटली क्यों करना चाहिए, सभ्य तरीके से क्यों करना चाहिए? तो पेट्स शुड बी ब्रश्ड जेंटली, पहले ये क्वेश्चन का पार्ट है। पेट्स शुड बी ब्रश्ड जनरली। फिर आगे आंसर हमें जोड़ा है टू रिमूव द डस्ट, डस्ट हटाने के लिए, एंड लूज फर फ्रॉम दियर कोट्स, और उसकी बॉडी पे जो स्किन लूज होके नीचे झुक जाती है उस फर को या उस स्किन को हटाने के लिए हमें पेट के ब्रश जो है वो जेंटली करना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर जो डस्ट है वो निकल जाए और उसकी जो लूज हो गई स्किन, जो खराब हो गई स्किन वो निकल जाए। जब वो खराब स्किन निकल जाती है उसके नीचे एनिमल्स के नई स्किन आ जाती है। तो आंसर हम लिखेंगे पेट्स शुड बी ब्रश्ड जेंटली टू रिमूव द डस्ट एंड लूज फर फ्रॉम दियर कोट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। हमें अपने डोमेस्टिक और पेट एनिमल की देखरेख कैसे करनी चाहिए, टेक केयर कैसे करनी चाहिए? तो वो तरीके आपको बताने हैं जिन तरीकों से आप अपने पेट की केयर करते हो। तो पहले इस आंसर को हम क्वेश्चन से जोड़ेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, इतना जो है कि आपके क्वेश्चन का पार्ट है। फिर हम जो जुड़े हैं इन द फॉलोइंग वे, कि हम अपने पेट की देखरेख जो है वो निम्न तरीके से करेंगे, उसकी टेक केयर जो है वो हम इन तरीकों से करेंगे। फर्स्ट है वी शुड गिव दैम प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर, कि हम अपने पेट को सही खाना देंगे और पीने के लिए साफ पानी देंगे तो वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा और एक्टिव रहेगा। सेकेंड है इसमें वी मस्ट गिव दैम इन ए प्रॉपर शेल्टर, हम उसे रहने के लिए एक सही जगह देंगे ताकि वो आराम से उसमें घूम फिर सके और अच्छे से रह सके। थर्ड है वी मस्ट गिव दैम ए बाथ रेगुलरली, और हम उसे रोजाना नहलाएंगे। तो ये सारे काम हम करके अपने पेट्स की टेक केयर करते हैं। फर्स्ट क्या था, वी शुड गिव दैम प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर। सेकंड वी मस्ट गिव दैम इन ए प्रॉपर शेल्टर, और
और वी मस्ट गिव देम ए बाथ रेगुलरली। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, क्योंकि ये मैंने आपको रिटर्न वर्क में भेजी थी असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको अपने नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको अपने नोटबुक में करना है। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ अवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपको लर्न भी करने हैं। और आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लेसन 1 हो गया है, 2, 3, 4, 5 और 6 ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, बाय।